नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस बारे में हम सीखने वाले हैं। वेब डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ ये हमारा जो है पहला वीडियो है। आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से अपनी खुद की एक डायनामिक वेबसाइट बना पाएंगे। वर्डप्रेस एक वेबसाइट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। वर्डप्रेस का यूज़ करके काफ़ी बड़ी बड़ी जो वेबसाइटें हैं वो रन की जा रही हैं। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आपको wordpress.org वाली वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा गेट वर्डप्रेस का, इस पर क्लिक करेंगे। गेट वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें बटन मिल जाता है डाउनलोड वर्डप्रेस का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। वर्डप्रेस को मैंने डाउनलोड करके रख लिया है लेकिन सिर्फ वर्डप्रेस से जो हमारा वेबसाइट है वो काम नहीं करेगा। वर्डप्रेस जो है एक वेबसाइट एडिटर है, इसकी मदद से हम वेबसाइट को एडिट करेंगे। वेबसाइट को रन कराने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होगा जिस पे हमारा वेबसाइट जो है रन करेगा। वैसे तो आपको बहुत सारे जो हैं सर्वर मिल जाएंगे लेकिन मैं जो है जैम सर्वर को रिकमेंड करूँगा। तो हम अपने वेबसाइट को रन कराने के लिए जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे। जैम सर्वर को डाउनलोड करने के लिए आपको apachefriend.org वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा डाउनलोड का। ये जो है आपको विंडोज़, लिनक्स, ओएस तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल जाएगा। आप अपने जो है सिस्टम के ओएस के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने इसको विंडोज़ के लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अभी मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। वर्डप्रेस और जैम सर्वर को डाउनलोड करने के बाद अभी मैं इन दोनों को इंस्टॉल करना है, तो आइए इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। इसके लिए हमें उस लोकेशन पे पहुंच जाना है जहां पे हमने इनको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं अपने माय कंप्यूटर में पहुंच जाता हूं और वहां पे मैंने इसे डाउनलोड वाले फोल्डर में जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करके रखा हुआ है और जैम सर्वर को भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमें जैम सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जैम सर्वर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा रन एच एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ देर बाद जो है आपको एक पॉपअप मिलेगा कुछ इस तरह का, इसे आपको यस कर देना है। पॉपअप को यस करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का जो है मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो हमारा जैम सर्वर का इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन को अनचेक नहीं करना है, इसे जैसा है इसे वैसा ही रहने दें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपको लोकेशन पूछी जा रही है कि आप जो है जैम सर्वर को कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं इसे सी ड्राइव में ही रखना चाहता हूँ और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पे चेक लगा मिलेगा, इसको हमें अनचेक कर देना है। फिर से इसे हम नेक्स्ट करेंगे, एक बार और नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा जो जैम सर्वर इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। हमारा जो जैम सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आपको एक बार लॉन्च ज़रूर करना है, तो इसे हम चेक ही रहने देंगे और यहाँ से इसे फिनिश बटन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद अब आपसे यहाँ पे लैंग्वेज पूछी जा रही है तो हम इसे इंग्लिश ही रखेंगे और इसे सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जो जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल है वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इसे यहाँ से अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एक एक करके इन दोनों को स्टार्ट कर लें। जब ये हरे रंग के हो जाएं तो आप समझ जाइए सक्सेसफुली जो है हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है और उसे स्टार्ट भी कर लिया है।
अब हमें ये चेक करना है जो हमारा जैम सर्वर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। ब्राउज़र ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद स्लैश जरूर लगाएं और एंटर बटन प्रेस करें। एंटर बटन प्रेस करते ही जैम का जो हमारा वेलकम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख कर आ गया है यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जैम सर्वर ऑन दिस सिस्टम। तो फाइनली जो है हमने अपने वेबसाइट रन कराने के लिए जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है और सक्सेसफुली वो हमारा जो है रन भी कर रहा है। तो वेबसाइट बनाने का जो हमारा पहला स्टेप है सर्वर को इंस्टॉल करने का वो पूरा हो चुका है। अब हमें जो है वेबसाइट को रन कराने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। डेटाबेस को बनाने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा PHP माई एडमिन का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमारा जो PHP माई एडमिन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें इस डेटाबेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट डेटाबेस का। इस पर क्लिक करके आप जिस भी नाम से अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप करके डेटाबेस को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ही चैनल का नाम डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने चैनल की वेबसाइट बनानी है। मैंने यहाँ पे चैनल का नाम डाल दिया है और इसे हमें इस क्रिएट बटन पर क्लिक करके डेटाबेस को बना लेना है। तो कुछ ही देर में आपका डेटाबेस बन के तैयार है। हमने अब जो है जैम सर्वर को भी इंस्टॉल कर लिया है और हमारा जो डेटाबेस है उसे भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो हमें जो है वापस उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पर हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। इंस्टॉल करने से पहले हमें इसे जैम सर्वर वाले फोल्डर में इसे पहुँचाना होगा। इससे पहले हमें इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और जहाँ पर आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया था उस लोकेशन पर आपको पहुँचना है। तो मैंने लोकल डिस्क सी में किया था। सी ड्राइव में पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जैम सर्वर का जो फोल्डर है वो मिल चुका है। इसे ओपन करें। इसमें आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। उसमें हमें जो है ST डॉक्स वाले फोल्डर में जाना है, वहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसे वर्डप्रेस वाले फोल्डर को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस। इस पर क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। कुछ ही देर में जो है हमारा ये एक्सट्रैक्शन वर्क है पूरा हो जाएगा। अब हमें जो ये हमारी जिप फाइल है इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसे हमें रीनेम करना होगा। डेटाबेस बनाते समय जो आपने वहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया था वही नाम आपको यहाँ डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपने जो मैंने चैनल का नाम डाला था वही मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसे। तो फाइनली जो हमारा वेबसाइट बनाने का तीसरा जो स्टेप था वो भी पूरा कर लिया है। पहला स्टेप जो हमारा जैम सर्वर को इंस्टॉल करना था, दूसरा स्टेप डेटाबेस को क्रिएट करना था और तीसरा जो हमारा स्टेप था वो था वर्डप्रेस के फोल्डर को हमारे जैम सर्वर के अंदर पहुंचाना। अब हम वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में वापस आ जाना है और सर्च बार में टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद स्लैश लगाएं और यहाँ पे उस फोल्डर का नाम डालें जिसे आपने ST डॉक्स वाले फोल्डर में पहुँचाया था। तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम डाल लेता हूँ और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो वर्डप्रेस की जो फाइल्स थी वो सामने शो हो गई हैं। यहाँ पर इस तरह का जब आपके सामने मैसेज आ जाए तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछी जा रही है तो इसे हम इंग्लिश ही रखेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमसे जो है डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन है जिससे जब हमने डाटाबेस बनाया था उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इसे हमें लेट्स गो कर देना है। लेट्स गो करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। तो आपने जब डेटाबेस बनाया था और जो नाम वहाँ पर आपने दिया था वही नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम डाल दिया है और उसके बाद आपसे यूज़र नेम पूछा जाएगा। तो यूज़र नेम आपको रूट टाइप कर देना है और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देना है। अगला जो ऑप्शन है डेटाबेस होस्ट का, इसको भी आपको जैसा है इसे वैसा ही रहने दें।
टेबल प्रीफिक्स में भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का जो है मैसेज आ जाएगा, तो इसे हमें रन द इंस्टॉलेशन कर लेना है। अब जो है हमसे हमारी वेबसाइट की डिटेल पूछी जा रही है। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है जो आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका आप टाइटल क्या रखना चाहते हो। तो साइट टाइटल से जो मतलब है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है इसे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लिख कर आ रहा है, इसी को हम साइट टाइटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का ही टाइटल डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल डाल लिया है। और जब भी हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें यूज़र नेम हम एडमिन ही रखते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन रखने वाला हूँ। पासवर्ड में हम अपने हिसाब से जो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं वो डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी डाल देंगे। मेल आईडी टाइप करने के बाद हमें इस वाले बॉक्स को चेक नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके मैसेज आ जाएगा सक्सेस, वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो फाइनली हमने जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।